Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, friends, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द वर्ड्स सेल्फ एंड सेल्फ्स. व्हाट इज द सेल्फ एंड सेल्फ्स? Self is used for the singular number and selves is used for the plural number. हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले हम एक देखते हैं conversational video. तो let's watch. When will you go to Mumbai, Viraj? I will go to Mumbai tomorrow. What is the matter, Anjali? Why do you want to know this? Just for nothing. I also have to go to Mumbai. I never gone to Mumbai. Why do you want to go? I have to go to see the Gateway of India. I will also see Gateway of India. I also want to go to Mumbai. Very nice. It will be great fun if you come with us. I have to buy some dress for New Year's. But when will you come back? Next day will come. Okay then. Well, see you at station tomorrow morning. Okay. Okay friends. So self or selves ka matlab hota hai khud se, swayam se. स्वयं मतलब खुद या स्वयं. इसमें हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. ऊपर का जो दो सेंटेंस है, राहुल स्वयं वहां गया या मैंने खुद किया, तो ये जो ऊपर के दो सेंटेंस है इसमें बताया जा रहा है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जोर देकर बोला जा रहा है कि राहुल वहां स्वयं गया, मैंने यह खुद किया. सब्जेक्ट पे जब जोर दे के बोला जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम सेल्फ लगाएंगे. जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से राहुल है, तो राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आई हिम सेल्फ लगाएंगे. अगर फर्स्ट पर्सन यहां पर सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर हम माई सेल्फ लगाएंगे. यहां पर हम सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, राहुल स्वयं वहां गया, तो राहुल वेंट देयर himself. Rahul went there himself. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राहुल himself went there. राहुल, ये himself जो है हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिख सकते हैं कि राहुल himself went there या राहुल went there himself, दोनों चलता है. या मैंने खुद किया, तो आई myself did this. या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि I did this myself. दोनों ही सही है. ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सेंटेंस को देखिए. सांप ने खुद को काटा, तो यहां पर कर्ता यानी जो क्रिया है वापस कर्ता की तरफ ही मुड़ रही है. वापस कर्ता की तरफ ही जब क्रिया मुड़े तो उसमें हमेशा लास्ट में ही हम माई सेल्फ, हिम सेल्फ या जो भी सेल्फ हो उसका हम इस्तेमाल सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो सांप ने खुद को काटा, द स्नैक बाइट इटसेल्फ. यहां पर हम इटसेल्फ लिखेंगे क्योंकि यहां पर हम छोटे मोटे जीवों की बात कर रहे हैं. अगर हम किसी पर्सन की बात करेंगे तो वहां पर हिमसेल्फ लिखेंगे. फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर होगा तो वहां पर माई सेल्फ लगाएंगे स्वयं के लिए, खुद के लिए. और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वहां पर हम हिमसेल्फ लगाएंगे. और थर्ड पर्सन जब प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, तो वहां पर हम देम सेल्फ लगाएंगे. वहां पर फिर ये सेल्फ्स हो जाएगा. अगर फर्स्ट पर्सन बहुवचन हुआ यानी प्लूरल नंबर, तो वहां पर हम आवर सेल्फ्स लगाएंगे. जैसे वी के लिए आवर सेल्फ्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने स्वयं से पूछा,
तो उसने स्वयं से पूछा, मीन्स करता उसने ही, और पूछा इज द वर्ब। तो जो वर्ब है वो मूल कर्म कर्ता की तरफ ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हमेशा हम सेल्फ का इस्तेमाल लास्ट में करते हैं, जैसे ही आस्क हिमसेल्फ, यहाँ पर हमने हिमसेल्फ लिखा क्योंकि ही है, जब ही आएगा तो हिमसेल्फ लिखेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। लोग खुद को दोष नहीं देते, द पीपल पीपल डोंट ब्लेम themselves। यहां पर themselves लगा क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात की जा रही है। जब भी हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करेंगे तो वहां पर themselves लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे यह खुद करना चाहिए, मुझे आई शुड डू दिस, मुझे है तो माई सेल्फ। आई जब होगा तो उसके लिए हम खुद के लिए या स्वयं के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। यू होगा तो योर सेल्फ के लिए, जैसे तुम यह खुद कर सकते हो तो यू कैन डू दिस योर सेल्फ, यू कैन डू दिस योर सेल्फ। उसे वहां खुद जाना है तो उसे मीन्स ही हैज टू गो देयर। अब आप समझ गए होंगे कि ही है तो हिमसेल्फ लगेगा, तो ही हैज टू गो देयर हिमसेल्फ। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक टेबल लिख के बता देता हूं कि आई के लिए क्या लगेगा, यू के लिए ये बता देता हूं, अच्छा रहेगा। आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ्स, वी के लिए आवर सेल्फ्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टेबल है, आप देख लो, अच्छी तरह से लिख लेना एक नोटबुक में कि जब भी स्वयं या खुद की बात होगी तो यहां पर आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ्स और वी के लिए आवर सेल्फ्स होगा। और इसके अलावे जो भी होंगे उसके अलावे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में माई सेल्फ, और इसी में प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन में प्लूरल तो इसमें आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। अगर थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वहां पर हिम सेल्फ, और अगर प्लूरल नंबर होता है तो वहां पर देम सेल्फ्स। ये टेबल आप याद रखना। और इसके अलावा जब छोटे मोटे जीवों की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इट सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे सब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज और बताता हूं मैं इसमें आपको, मैं यह खुद करूंगा, इसको हम ऐसे बनाते हैं, आई विल डू दिस माई सेल्फ। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि आई विल डू दिस By myself, फिर इन दोनों में फर्क क्या हो जाता है? इन दोनों में फर्क यही होता है कि I will do this myself, मैं इसे खुद करूंगा, उसको हम जोर देके नहीं बोल रहे हैं, बस मैं यह खुद करूंगा। अगर किसी की मदद मिल जाए तो उसकी मदद भी ले सकता हूं, बट मैं खुद करूंगा।
और दूसरी सेंटेंस में जो है आई विल डू दिस बाय माई सेल्फ, मतलब इसको मैं बिना किसी के मदद के बगैर करूंगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं इसे खुद करूंगा, इसमें ज्यादा जोर देकर बोला जा रहा है, इसलिए बाय माई सेल्फ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जितने भी कन्फ्यूजन होंगे मीन्स क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है इस संबंध में तो आप हम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पता है मुझे आप कमेंट करेंगे नहीं, बस वीडियो देखेंगे और बंद कर देंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सीरियस होकर सिंसियरली आप वीडियो देखो, रेगुलर देखो, और जो भी टास्क दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, उसको आप नोटबुक में आप लिखो, अच्छी तरह से उसका रिवाइज करो, रिविज़न करो, जो भी मैं रास्ते बताता हूँ, जो भी वे बताता हूँ आपको कि इस तरीके से करना है आपको, वो करो, आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।